दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो उससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जी हां दोस्तों, आप सभी लोग चाहते हैं स्मार्टफोन खरीदना कम से कम कीमत में और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का। तो दोस्तों यही सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लोग जो स्मार्टफोन खरीदते हैं वो कैसे खरीदें। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग टेक इंडियन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे आप लोगों को रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा। जिन भी लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी जो फ्यूचर की वीडियोज़ हैं वो आसानी से देख सकेंगे। तो दोस्तों जो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को डिसाइड करनी होती है स्मार्टफोन खरीदने से पहले वो है आपका बजट। जी हाँ, आपको बजट डिसाइड करना होता है कि आपका जो बजट है वो क्या है। आप लोग जो है 10,000, 20,000, 30,000 या फिर उससे ऊपर आप बजट रखते हैं तो उसी हिसाब से आगे बढ़ा जाता है। और दोस्तों दूसरी चीज़ आपको देखनी होती है कि आपको जो मोबाइल लेना है वो लॉन्ग लाइफ के लिए लेना है, मीन्स कि 2-4 साल चलाने के लिए लेना है, या फिर कई लोग होते हैं जिनको सिर्फ 1-2 महीने का शौक़ होता है तो उस हिसाब से भी चॉइस बनाई जाती है। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग लाइफ के लिए लेना चाहते हैं तो आपको मैं सलाह दूंगा कि जो 4-5 टॉप की कंपनियां हैं जो ट्रस्टेड उन्हीं का लीजिए, क्योंकि दोस्तों उनकी जो सर्विस होती है वो बहुत अच्छी होती है। और अगर आपने 2-4 महीने के लिए लेना है तो कोई सी भी कंपनी का चूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों आप अगर एंड्रॉयड की जगह आईफोन लेना चाहें तो फिर क्या कहने, आईफोन की तो बात ही अलग है, लेकिन मैं आपको एंड्रॉयड के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों दूसरी चीज़ आपको बैटरी की ध्यान रखनी होती है कि कम से कम 3000 mAh की बैटरी तो होनी ही चाहिए ताकि जो है 1.5-2 दिन फ़ोन चले। और दोस्तों बात करते हैं कैमरे की। आजकल सेल्फी का ज़माना है तो 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा कम से कम स्मार्टफोन में होना ही चाहिए, तभी तो वो स्मार्टफोन कहलाएगा और आपकी जो पिक्चर क्वालिटी होगी वो इस एंगल से आ सकेगी कि हाँ लगे कि एक स्मार्टफोन से जो है अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो ली गई है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। और दोस्तों जो चीज़ रखनी है ध्यान आपने वो ये रखनी है कि कम से कम 64-bit ऑक्टा कोर का CPU प्रोसेसर हो उसके अंदर स्नैपड्रैगन का, जिससे कि स्मार्ट वर्किंग हो और मल्टीटास्किंग आसान हो जाए, आपका फ़ोन हैंग ना हो। और कम से कम 1.5 GB की रैम तो होनी ही चाहिए फ़ोन में, तभी आप लोग जो है मल्टीटास्किंग आराम से कर सकते हैं, इंटरनेट वगैरह की स्पीड अच्छी आती है, नहीं तो फ़ोन हैंग होता है और चीज़ें थोड़ी सी अटपटा जाती हैं। और दोस्तों बात करते हैं स्क्रीन के साइज़ की। आपको जो ध्यान रखना होता है कि अगर आपको मूवी वगैरह अच्छी वगैरह देखनी है वीडियोस, तो कम से कम स्क्रीन का साइज़ 5 इंच के आसपास तो होना ही चाहिए। और दोस्तों अगर आप जो 1000-2000 का बजट और बढ़ा सकते हैं तो जो दोस्तों आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा, जिससे कि आप फिंगरप्रिंट से ही अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें जो स्मार्टफोन खरीदने से पहले आपको देखनी होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों जिन भी लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्यूचर की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल टेक इंडियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।